राजस्थान में बीजेपी शासनकाल में बंद किए गए दो विश्वविद्यालयों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम ने कहा कि विधि के क्षेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई का जो सपना 10 साल पहले देखा वो अब पूरा हुआ है। इस दौरान उन्होंने जात पात की बात करने वालों को भी दो टूक नसीहत दे डाली। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने लॉ यूनिवर्सिटी को अपने सिलेबस में राष्ट्र चेतना के मुद्दों को शामिल करने की अपील की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का बीते गुरुवार पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए कार्यक्रम में कुलाधिपति कलराज मिश्र और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक ने शिरकत की। समारोह में 38 स्टूडेंट को LLM कोर्स के 38 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। साथ ही 3 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मेरिट सर्टिफिकेट दिए गए। ये वही विश्वविद्यालय है जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। सीएम गहलोत ने सत्ता में आते ही सबसे पहले हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करवाया। सीएम अशोक गहलोत ने इसी मामले को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा, साथ ही ये भी कहा कि 10 साल पहले जो सपना देखा था वो हमने पूरा किया। पिछले कार्यकाल में पत्रकारी और लॉ यूनिवर्सिटी खोली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सरकार बदली और दोनों यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन इस बार सरकार बनते हुए दोनों यूनिवर्सिटी पुनः खोलने की घोषणा की और शुरू की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में तीसरी बार सीएम बनने पर कहा कि उन्होंने कभी जाति पाति की बात नहीं की। वे स्वयं अकेले अपनी जाति के विधायक हैं, इसलिए उन्हें हमेशा 36 कौम का प्यार मिला। इस प्यार के चलते ही वे सीएम बने। सीएम ने इस मौके पर राज्यपाल द्वारा शुरू की गई संविधान की शपथ दोहराने की परंपरा का स्वागत किया और इसे एक बेहतर परंपरा बताया। यहां उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय की कम समय में की गई विकास यात्रा के कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप के काम काज की सराहना की। साथ ही कहा कि एक कुलपति के तौर पर उनके UGC के अनुभवों का प्रदेश को लाभ मिल सकता है। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधन में कहा कि विधि की शिक्षा समाज की दशा और दिशा बदलने का माध्यम रखती है। स्टूडेंट को जात समुदाय की बंदिशों में नहीं बांधना चाहिए। देश में विधि शिक्षा के दौरान तेजी से बदलाव आया है। विधि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अदालतों के अलावा कॉर्पोरेट समेत कई विकल्प हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।